नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ मनीषा किचन में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करती हूँ, घर का कामकाज करते हुए अपनी पढ़ाई भी जारी रखती हूँ, तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमें सपोर्ट करिए, हमारा वीडियो आप लोग शुरू से आखिरी तक देखा करिए। दोस्तों, आज रविवार है, आज के दिन हमारे बनारस में लॉकडाउन ही रहता है और सभी लोग घर पे ही हैं, तो क्यों ना मैं सबके लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता शेयर करूं। तो चलिए, आज मैं अपने बनारस की सबसे फेमस रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हमारे बनारस में घुघरी चना और दही जलेबी बहुत ही फेमस है, तो आज मैं चना घुघरी शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक बंदर भी आ गया है और ये परेशान कर रहा है, तो सभी लोग इसको भगा रहे हैं। हमारे घर के आसपास बहुत ज़्यादा बंदर हैं क्योंकि यहाँ पर मंदिर है। चलिए अब अपना रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लिए हैं कुछ मसाले, धनिया, हल्दी और गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, और ये हम लिए हैं आलू और दो प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची, और यहाँ पर हम लिए हैं चना। इसे मैं 3 से 4 घंटे भिगो के रखी थी, अब यह अच्छे से फूल गए हैं और इसे मैं धोकर साफ कर ली हूँ। सभी सामान को एकत्र करके रख ली हूँ। अब चलिए चूल्हे में आग जलाती हूँ। सबसे पहले मैं चना को उबालूंगी और ये देखिए हमारा घर इतना फाइनल हो गया है। अभी इसमें बहुत काम बाकी है, तो धीरे धीरे होता रहेगा। आग हमारा जल गया है, चूल्हे पे रखती हूँ कढ़ाई। कढ़ाई को हल्का सा पोंछ देती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी 1 जग पानी। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक और इसी के साथ चना भी डाल देती हूँ। नमक डालने से चना हमारे अच्छे से उबल जाएंगे और नरम भी रहेंगे। अब मैं इसे पलटे से चला देती हूँ और एक थाली से ढक देती हूँ उबलने के लिए। जब तक चना उबल रहा है, इधर मैं सब्जियों को काट कर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू को छोटे छोटे पीस में काट लेती हूँ। इसी के साथ प्याज को भी बारीक काट कर तैयार कर लेती हूँ। हरे मिर्च को भी काट लेती हूँ। आइए चूल्हे की तरफ भी देख लेती हूँ। ये देखिए चना हमारा उबलकर तैयार है। अब मैं इसे एक छन्नी से छान लेती हूँ। ये देखिए छन्नी से चना हमारा अलग हो गया और पानी अलग हो गया। दोस्तों, मैं अपने आंगन में ही करी पत्ता का पेड़ लगाई हूँ। चलिए वहां से कुछ पत्ते ले लेते हैं तड़का लगाने के लिए। अब मैं कढ़ाई में डालूंगी सरसों का तेल। तेल को गर्म होने के बाद मैं इसमें डालूंगी जीरा। जीरा लाल हो गया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ करी पत्ता। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्ची और कटा हुआ प्याज। इसे मैं धीमी आंच पर ही हल्का लाल होने तक भून लेती हूँ। अब मैं इसमें डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो गया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ कटा हुआ आलू। आलू को मैं धीमी आंच पर ही हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक भूनूंगी। अब मैं इसे एक थाली से ढक देती हूँ हल्का सा नरम होने के लिए। थाली को हटाकर चेक करती हूँ। ये देखिए आलू काफी नरम हो गए हैं।
अब मैं इसमें डाल देती हूँ उबला हुआ चना। चना और आलू को मैं पलटे से चलाते हुए अच्छे से मिला लेती हूँ। ये देखिए आलू और चना हमारे अच्छे से मिल गए हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कुछ मसाले। इसी के साथ स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देती हूँ। अब मैं इसे पलटे से चला देती हूँ। नमक और मसाले हमारे अच्छे से सभी जगह बराबर मात्रा में मिल जाएंगे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। पानी डालने से क्या होता है कि मसालों में आलू चना हमारा अच्छे से मिलकर लटपट हो जाएगा। अब मैं इसे पलटे से चलाकर 2 मिनट के लिए थाली से ढक देती हूँ पकने के लिए। दोस्तों देखिए इधर छोटी भी आ गई है। जब मैं खाना बनाती हूँ तो ये मेरे आसपास इधर उधर घूमती रहती है। आइए अब चूल्हे की तरफ भी देख लेती हूँ कि घुघरी चना हमारा पका है या नहीं। ये देखिए दोस्तों मसालों के साथ घुघरी चना हमारा मिलकर लटपट हो गया है और बहुत ही अच्छा घुघरी चना हमारा बना हुआ है। चलिए एक बार आलू को और चना को चेक कर लेती हूँ तो अच्छे से पक गया है। अब मैं इसे चूल्हे से नीचे उतारती हूँ। दोस्तों बनारसी स्टाइल में गर्मा गर्म घुघरी चना हमारा बनकर तैयार है। आइए अब इसे परोसना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं सभी को परोसने के लिए कटोरी में निकाल दी हूँ। अब मैं इसे और भी ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें थोड़ा थोड़ा प्याज डाल देती हूँ। इसी के साथ भुना हुआ जीरा और काला नमक भी डाल देती हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी आलू भुजिया। आप कोई भी नमकीन इसमें डाल सकते हैं। दोस्तों बनारसी स्टाइल में घुघरी चना आप लोग भी एक बार जरूर बनाकर देखें और अपना अनुभव हमें शेयर करें। दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।